मुझे यहाँ पर स्टेज पर 3 वॉलंटियर्स चाहिए। एक कॉन्टेस्ट होने वाला है यहाँ कि आप लोगों को यहाँ पर आना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। उनको बताना है कि मेरे सेशंस को देखने के बाद आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, जो अपने आप में एक मिरेकल है, सुनने में छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं, जेन्युइन एक्सपीरियंस। अब कॉन्टेस्ट क्या है कि जो 3 लोग एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसके भी एक्सपीरियंस पर सबसे ज्यादा हूटिंग हो, वो विनर होगा आज के इस कॉन्टेस्ट। और उस विनर के साथ में मैं पूरा एक दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करूंगा। कि जो 3 लोग एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसके भी एक्सपीरियंस पर सबसे ज्यादा हूटिंग हो, वो विनर होगा आज के इस कॉन्टेस्ट। और उस विनर के साथ में मैं पूरा एक दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करूंगा, पूरा एक दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करूं, पूरा एक दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करूं। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। अब बताइए आप में से कौन है जो आना चाहेगा, जिसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। आप आ जाओ, टाई वाले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो जी, क्या हाल चाल? सर, आप बहुत बड़ा फैन हो सर। क्या बात है, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा चमत्कार। बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आई एम निखिल गंभीर, सीए स्टूडेंट हूँ, फाइनल में हूँ। मुझे स्टेज फियर बहुत था, बहुत ज्यादा स्टेज फियर, बहुत डर लगता था। जब भी स्टेज पे जाता था ब्लैंक हो जाता था। एक बार मेरे एक टीचर है मुकेश सर, उन्होंने प्लान बनाया निखिल को फंसा देते हैं। कैसे? सर हजारों की भीड़ थी, तो सडनली ना मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो नेक्स्ट वन इज निखिल गंभीर। आई वॉज वेटिंग, निखिल गंभीर, हु इज निखिल गंभीर, अनदर वन। तो मैं पीछे देख रहा शायद कोई और होगा, बट दोबारा सर ने कहा बेटा तेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे तो डर लगता है, ऑलमोस्ट 1000 पीपल मेरे सामने थे, 15 सेकंड का टाइम था। सर ने कहा स्टेज पे जा और बोल गया, बेटा चल अब डर मत। मेरा मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हार मान चुका था, बेटा अब तो हो गया काम मेरा। मुझे याद आया मैं संदीप महेश्वरी सर के सेमिनार इतने देखता हूँ, बेटा वही चक्कर चलाएंगे अब कुछ। मैंने क्या किया, रास्ते में 15 सेकंड में, मतलब मुझे दो चीज़ें सुनाई दे रही थी, एक मेरी दिल की धड़कन और मेरी पैरों की आवाज़। तो मैं रेडी हो गया, मैंने कहा महेश्वरी सर का सेमिनार मैंने बहुत बार देखा है, क्या उनके डायलॉग्स कॉपी कर सकता हूँ? मैं स्टेज पे गया, जैसे जैसे माइक पकड़ा सर, मैंने 1.5 घंटा सेमिनार लिया इन द फ्रंट ऑफ ऑल सी ए एंड सी ए फेस, और आपकी एक एक डायलॉग को सर एज इट इज कॉपी मार दिया सर मैंने। और मैं आई गॉट फर्स्ट पोजिशन देयर। मुझे एक दोस्त मिला मेरा कल, वो मुझसे पूछ रहा संदीप तुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? तो मैंने कहा कि यार जब मैं छोटा था ना, तो मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, जिसे मैं रोज सुनता था और रोज रोता था। वो कहानी क्या थी, एक ऐसे आदमी की जो हर जगह खुश रहता था, यहाँ पर वहाँ पर सब जगह। एक दिन ना उसके अंदर लालच आ गया, बहुत ज़्यादा लालच आ गया, वो सबसे लड़ने लग गया, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, सबसे। एक दिन जब वो मरने वाला था ना, उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकंड्स चल रहे थे, तो उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकले कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। उस टाइम मैं रोता था, मैं सोचता था यार जब मैं मेरे कुछ लाइफ के आखिरी सेकंड्स चल रहे होंगे तो मैं क्या बोलूँगा अपने इन सब लोगों से। उस टाइम समझ नहीं आता, आज समझ में आता है कि जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स चल रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, मन में एक बात होगी, यार मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। बस कर, पगले रुलाएगा क्या? बस कर। एक मिनट।